करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा पर श्री गुरु रविदास सभा करनाल द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया है। इस अवसर पर गुरु रविदास सभा से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने टोल प्लाजा घरौना में पहुंचकर अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया। इस मौके पर गुरु रविदास सभा के प्रधान ने जन समूह में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को अगर कोई बदलेगा तो उसके विरोध में किसान मजदूर एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो तीन कृषि के क्षेत्र में काले कानून लाए गए हैं, गुरु रविदास सभा इसका विरोध करती है और किसानों को अपना समर्थन देती है। यहां हम आपको बता दें कि घरौंडा टोल प्लाजा पर चल रहे किसान आंदोलन को विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी पहुंचकर अपना समर्थन दे रही हैं। उसी कड़ी में आज गुरु रविदास सभा द्वारा अपना समर्थन दिया गया। गौरतलब है कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीन नए कानून के विरोध में दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और यह आंदोलन तेज होता जा रहा है और जन जन का आंदोलन बन चुका है। इस मौके पर गुरु रविदास सभा के पदाधिकारियों ने अनशन भी किया, जिसमें मुख्य रूप से 5 व्यक्तियों ने मंच पर किसानों के समर्थन में अपनी भागीदारी दिखाते हुए एक दिन की भूख हड़ताल भी की। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रधान रोहित जोशी, कार्यकारी प्रधान भारत भूषण, उप प्रधान बिशन दास, सलाहकार महेंद्र सागर, महासचिव दलीप कुमार, राजीव जोशी, संजीत कुमार व शिव कुमार के अलावा बड़ी संख्या में गुरु रविदास सभा से जुड़े कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।